मेरे पास एक बच्ची आई थी, लगभग 10-12 साल की रही होगी। शी कंप्लेन्ड ऑफ फीवर एंड पेन इन नेक रीजन। उनके पास नेक की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी थी, जिससे कि ये बात साफ पता चल रही थी कि देयर वेयर नेक ग्लैंड्स, नेक में जो लिम्फ ग्लैंड्स थे वो एनलार्ज थे और उनमें सपोरेशन हो रहा था। और इंक्वायरी पता लगा कि फीवर सुबह 4 बजे ही आता है। तो इस केस में हमको कोई बहुत ज़्यादा हिस्ट्री मिला नहीं था, तो इसमें छोटे से इसी जो भी जानकारी हमको मिली, 2-4 लाइन की, इससे हमने रूब्रिक्स लिए थे। और रूब्रिक्स थे जनरलिटीज सपोरेशन ऑफ ग्लैंड्स, जनरलिटीज स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स, टाइम नाइट 4 AM, शी वॉज गिवन सिलिशिया 0/1 एंड इट रिलीव्ड हर इंस्टेंटली। उसका पेन तो तुरंत ही चला गया, फीवर नेक्स्ट डे से दोबारा आया ही नहीं, और ग्लैंड्स की स्वेलिंग भी स्लोली एंड स्टेडली कम होती गई नेक्स्ट 15 डेज में। तो ऐसे केसेस जहां पर ग्लैंड्स एनलार्ज हो, ग्लैंड्स में सपुरेशन हो रहा हो, स्पेशली अगर राइट साइड का हो, तो आपको सिलिशिया के बारे में सोचना चाहिए।